नमस्कार दर्शकों, हम आए हैं CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, और हमारे साथ मौजूद हैं संस्थान के डायरेक्टर मनीष कुमार छेडली जी। बकरी के दूध के कारोबार के बारे में तो बहुत बात की जाती है और दूध का कारोबार बढ़ भी रहा है साल दर साल, जैसा संस्थान भी दावा करता है, लेकिन अगर बकरी को उसके मीट के कारोबार के लिए पाला जाए तो उसको लेकर क्या संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं मनीष कुमार जी से। मनीष जी, मीट के कारोबार को लेकर क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल, जो बकरी है वो बेसिकली मीट के लिए ही मानी जाती थी, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी रिलीजियस टैबूज नहीं अटैच है। बकरी का मीट सब लोग खा सकते हैं, किसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें कई सारे गुणकारी तत्व भी होते हैं। तो जो बकरी का जो पालन पोषण पहले लोग सब लोग कर रहे थे, वो मीट के पर्पज़ के लिए ही कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे जो ब्रॉयलर बकरी जिसे हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर भी हमने बहुत कार्य किया है, और इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि लगभग जो हम 6 महीने तक उसको रखते हैं, जैसे हमारी ये बर्बरी ब्रीड है, इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये ब्रीड मल्टीपर्पज़ ब्रीड है। ये दूध भी देती है और हमारे पास मीट भी इसका मिलता है। तो हम इसको पैदा करने में 6 महीने के अंदर हम लोग 20 से 25 किलो की हो जाती है, जो 9 महीने में लगभग 25 से 30 केजी की हो जाती है, और जो 1 साल के अंदर लगभग ये 40 किलो वेट तक भी गेन कर लेती है। तो आप उससे देखेंगे 40 किलो वेट हो जाता है तो लगभग 50-55% इसकी ड्रेसिंग परसेंटेज आती है, और हमें लगभग 20 से 22 किलो मीट इससे मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा, और मीट का भाव जैसे देख रहे हैं कि दिन पर हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है, और आज की तारीख में ये लगभग 500 से 600 रुपये किलो तक मीट बिक रहा है। तो ये जो कोई किसान इन ब्रीड्स को मीट पर्पज़ के लिए करना चाहेगा तो उसको बहुत ही फ़ायदेमंद में एक अच्छा बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकता है। क्या एक्सपोर्ट में भी मीट कारोबार को लेकर कुछ संभावना है, बड़ा है कुछ एक्सपोर्ट मीट का, बकरे के मीट का? बिल्कुल जी, बकरे के मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ के बीच में, और हमारे भारत से जितनी भी ये सऊदी अरेबिया और इन सारी कंट्रीज़ के लिए हमारे यहाँ से बहुत सारा मीट एक्सपोर्ट होता है। और हम लोग जैसे जो हमारे भारत में लगभग 13% जो मीट है वो बकरी और बकरी के मीट से ही आता है, और ये एक बहुत बड़ी कमोडिटी है। भारत में इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट तो इतना ज़्यादा नहीं करते, पर फिर भी इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। एक किसान को मीट के लिए ऐसी कौन सी ब्रीड है जो पालनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके? ये मैं तो किसानों को ये बताऊंगा, जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं उस क्षेत्र के हिसाब से जो ब्रीड बेस्ट है वही उसको सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्षेत्र में रहता है उसकी उस ब्रीड उस क्षेत्र के लिए अडेप्ट हुई होती है। तो जैसे वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उस साइड पे जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे ब्लैक बंगाल बहुत अच्छी ब्रीड है, जो कि मीट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी है, और वो 2 से 3 बच्चे तक भी देती हैं। इसी तरह के से जो हम लोग यूपी के अंदर करना चाह रहे हैं तो ये बर्बरी ब्रीड भी एक बहुत अच्छी ब्रीड है। ऐसे सोजत ब्रीड भी बहुत अच्छी है, जो मीट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी है। जो बर्बरी है ये भी 2 से 3 बच्चे तक देती है, तो इसमें 75% तक ट्विनिंग की रेशो है, ट्विनिंग होती है। तो ये सारी ब्रीड्स मीट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो देखा दर्शकों आपने कि बकरी का दूध ही नहीं, बकरी और बकरे का मीट भी एक अच्छे कारोबार के रूप में सामने आ रहा है। आपको पता ही होगा कि जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, तो कहा जाता है कि बकरे के मीट के रूप में जो बंगाल में, झारखंड में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ब्लैक बंगाल पाली जाती है, उसका मीट सप्लाई हुआ था। तो इसी तरह के जानकारी के लिए और वीडियो देखते रहिए किसान तक पर।